हेलो तो नमस्कार दोस्तों मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और किसान भाइयों आज टॉपिक है ट्रंच गन्ने में पेड़ पेड़ की पैदावार कैसी होती है तो ये ट्रंच का गन्ना वो रखा भाई ने और इसमें बहुत ही अच्छे पेड़ चल रहे हैं आपको हम दिखाएंगे देखो कितने शानदार पेड़ चल रहे हैं ये छः सात महीने का पेड़ है भाई इसकी प्लांटेशन बीस जनवरी को करी थी इन्होंने और देखो कितने शानदार पेड़ चल रहे हैं भाई तो अगर आप ट्रंच का गन्ना बो रहे हैं तो आप पेड़ लगाए ट्रंच में उसमें आपका गन्ना भी के उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ने और का और आपका जो पेड़ है वो बहुत शानदार ग्रो करेगा उसका कारण है जैसे ये पेड़ पे मट्टी चढ़ जाती है और इसमें एक एक फायदा और दिखाऊंगा मैं ट्रंच में आपको किसान भाइयों यहाँ पे आप पानी दोगे तो पेड़ के पास पानी नहीं जाने का यहाँ पे तो आपका पेड़ तूफान में भी नहीं गिरने का जो तूफान में गिरने की शिकायत आती है वो सादे में आती है तो अगर आप ट्रंच बो रहे हैं ये नहीं की ट्रंच बोना जरूरी किसान भाइयों को अगर आप बोना चाह रहे हैं या आपके पास ट्रेंच बोने के साधन है तो आप ट्रंंच में पोबलर लगा सकते हैं उससे आपका उत्पादन अच्छा होगा कोई समस्या नहीं आने की आप में देखो ये ट्रेंच में प्लांटेशन कर रखी है पोबलर की ये इन्होंने अट्ठारह बाई दस पे प्लांटेशन कर रखी है बहुत बेहतरीन पेड़ चल रहे दे, है देखो छह सात महीने की शानदार इनकी गोलाई है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ देखो ये देखो कितना शानदार पेड़ चल रहा है देख सकते हैं इस पेड़ को देखो कितनी बेहतरीन ग्रोथ चल रही इस पेड़ की तो आप ट्रंच में लगाओ और ट्रंच में लगाएगा एक और फायदा होगा आपकी पिड्डी का भी उत्पादन नहीं घटने का क्योंकि ट्रंच की पेड्डी बढ़िया होती है वैसे एक से जो भी किसान भाई ट्रंच की खेती कर रहे हैं वो कमेंट करके भी हमें बताए कि ट्रंच की पेड्डी अच्छी होती है नहीं वैसे उस पेड्डी से तो आप ट्रंच में भी इसका प्लांटेशन कर सकते हो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि पेड़ का जो जड़ है वो ऊंचे पे आ जाएगी तो जैसे हवा चलती है पेड़ के अगर जड़ में पानी भरा रहता है तो उसके पटने के चांस ज़्यादा होते हैं अगर छः सात महीने का पेड़ आपका ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है तो आगे सितंबर में अग, अगस्त में हवाएं चलेंगी बहुत तेज़ तो उसमें पेड़ आपके झुक जाते हैं पट भी जाते हैं हवाई जड़ से तो इसलिए आप ट्रंंच में भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं आपको अच्छा फायदा होगा ट्रंच में भी क्योंकि ट्रंच बोने के कारण इसकी एक तो ट्रंच में आप जड़ जड़ में खाद डालते हैं तो पेड़ को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है इससे और पानी आप ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं क्योंकि पेड़ के पास तो पानी जाने का नहीं पेड़ की जड़ों के पास पानी जाएगा क्योंकि पेड़ तो आपका वो हो गया और पेड़ से ये मान के चलो एक डेढ़ फिट पर यह खाड़ बन रहा है यहाँ पर पानी आएगा तो यहाँ से इसे सींच लेगा और पेड़ आपका तिरछनी होने का बिल्कुल भी वैसे एक के मुकाबले तो आप इसे मॉडल को भी अपना सकते हैं और अच्छा फायदा उठा सकते हैं बिल्कुल लेकिन कोशिश करो अगर आपको पेड़ की ग्रोथ करवानी है तो गन्ने में ही पेड़ लगाएं अगर आप गन्ने में पेड़ लगाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि गन्ने में ऑटोमेटिक ही इसकी ग्रोथ रहती है और कुछ किसान भाइयों का आज मैं आपको अलग थोड़ा सा बता दूँ चिन्नी गिर रहे कुछ किसान भाई कह दे कि चिन्नी गिर रहे से पेड़ मोटा हो रहा तो भाई बिल्कुल भी चिन्नी ना गिरो खमा खा तम चार हज़ार का कट्टा गिर रहे पचास किलो का उसको कोई फायदा होने वाला नहीं देखो पेड़ को बढ़ाने के लिए या कोई भी फसल को बढ़ाने के लिए तीन मुख्य तत्व हो गए नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास इन्हीं तीनों का मिक्सचर डाल लो आपको बेनिफिट मिलेगा किसी के कहीं पे चिन्नी ना डाल लो अगर चिन्नी डाल लोगे उसका कोई फायदा नहीं चिन्नी में खाली से ग्लूकोज होता है जो पढ़ा लिखा आदमी है वो समझ सकता है कि चिन्नी में क्या होता है क्या नहीं होता उसमें कोई मुख्य तत्व तो ऐसा है नहीं जैसे एनपी के हो या पोटास पो, हो या फॉस्फोरस हो जो आपके पेड़ जो पौधे को चाहिए पौधे को सबसे ज्यादा जरूरी इन्हीं तीन तत्वों की जरूरत पड़ती है भाई तो आप चिन्नी ना गिरे और अपना ये बेफजूल का खर्च से बचे किसान भाइयों अपना यही एनपी के डाले नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास और शुरू के साल तो कोई विशेष खाद की जरूरत भी नहीं भाई देखो ये कोई विशेष खाद नहीं डाल रखा और बहुत शानदार पेड़ चल रहे हैं भाई कोई इनमें समस्या नहीं है आप एक ही सारी पेड़ों की आपको मैं ग्रोथ दिखाऊंगा बहुत ही शानदार ग्रोथ है देख लो ये देखो भाई कितनी शानदार ग्रोथ चल रही है इसी साल का पेड़ है भाई इस, इसी साल जनवरी में लगाया था और देखो और नीचे कभी कोई टहनी नहीं आ रही ना कभी झंगाई की जरूरत है इस पेड़ को भाई एक सौ नौ वरायटी है बहुत अच्छी वरायटी है आप इसे लगा सकते हैं इसमें कोई समस्या नहीं आने की अट्ठारह बाई दस पे प्लांटेशन है आप इसे देख सकते हैं कितनी शानदार प्लांटेशन हो रखी है तो आप चिन्नी भी ना के भाई अगर आपको किसी को पता चला हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि चिन्नी के बारे में अफवाह फैल रही है कि चिन्नी से इसका उत्पादन ज़्यादा होता है पॉपुलर मोटा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसान भाइयों और वीडियो कैसी लगी जानकारी कैसी मिली किसान भाइयों हमें जरूर कमेंट करके बताइए धन्यवाद किसान भाइयों